अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्द कन्फ्यूज कर देते हैं। जो अच्छे जानकार हैं वो इन्हें भली भांति जानते हैं, परंतु अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान रखने वाले लोग नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं कि एक अच्छी और समृद्ध भाषा वही हो सकती है जो बदलाव से न घबराए, जो खुद में हमेशा नए नए शब्दों को शामिल करती रहे। अंग्रेजी भी एक ऐसी ही भाषा है। अंग्रेजी भाषा लिखते समय आई ई और ई जी शब्दों का उपयोग अक्सर किया जाता है। कई लोग दोनों को एक दूसरे का विकल्प मानकर उपयोग कर लेते हैं। पढ़ने वाला समझ लेता है, लेकिन वह यह भी समझ लेता है कि लिखने वाले की समझ में थोड़ी सी गड़बड़ी है। यदि आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से परफेक्ट हों, तो बहुत ज़रूरी है इन छोटे छोटे शब्दों को ध्यान रखें। आई ई और ई जी किस भाषा से आए हैं? इसका अंग्रेजी एवं हिंदी अर्थ क्या है? ये दोनों लैटिन भाषा से अंग्रेजी में आए हुए हैं। विशेषकर लेखन व मुद्रण में प्रचलित संक्षिप्त रूप है। आई ई का लैटिन में पूर्ण रूप इडेस्ट, आई डी ई एस टी, इडेस्ट होता है। वह इसका मतलब होता है अर्थात। ई जी का पूर्ण रूप से एग्जाम्पली ग्राथसिया होता है। इसका मतलब उदाहरणार्थ, किसी उदाहरण के लिए या फिर जिसे पहले ही कहा जा चुका हो। अंग्रेजी लेख पढ़ते हुए आई ई को दैट इज और ई जी को फॉर एग्जाम्पल पढ़ा जाता है। इसी प्रकार हम और भी कुछ शब्द आपको बताने जा रहे हैं। बोनाफाइड विथ गुड फेथ, सच्चा और संजीदा। पर से बाय इटसेल्फ, खुद से। पर कैपिटा बाय हेड्स, हर शख्स के लिए जनसंख्या के मामले में। सीवी करिकुलम वाइटी, कोर्स ऑफ लाइफ, किसी शख्स का शैक्षणिक व प्रोफेशनल ब्यौरा, नौकरी के लिए अप्लाई करने पर। अर्गो देयरफॉर, परिणाम स्वरूप। तो आपको ये लैटिन भाषा जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लैटिन भाषा और या इससे जुड़े किसी और भी चीज़ की आपकी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।